नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा वीडियो है वो किचन से ही रिलेटेड है। देखिए, होता क्या है ना कि हमारा जो ज्यादातर टाइम होता है वो किचन में ही कंज्यूम होता है, चाहे आप देखो सुबह से बच्चों के टिफिन तक का और रात के डिनर तक का। और इसके बीच में हमारी किचन को ऑर्गेनाइज रखना और नीट एंड क्लीन रखना, ये हमारे लिए एक चैलेंज की तरह ही होता है। मैंने कुछ ऐसे DIY अपनी किचन के लिए बनाए हैं जो कि पुराने टॉवल से बने हुए हैं। अगर आपके पास नया टॉवल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर करूं, और जो भी मैंने किचन से रिलेटेड छोटे मोटे DIY जो बनाए हैं वो आपके साथ शेयर करूं। और एक बात और है कि मुझे कोई स्टिचिंग आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर के लिए और अपने किचन के लिए कुछ ऐसे आइटम बनाती रहती हूँ जिससे अगर मैं बोर भी हो जाऊँ तो मैं फिर खुद अपना दोबारा रिक्रिएट करके फिर से कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखें कि मैंने आज के वीडियो में क्या क्या बनाया। यहाँ पर मैंने लिया है एक टॉवल जिसका अक्सर हम यूज़ किचन में करते हैं। इसके लिए एक पार्ट तो मैंने 1/4 जो है वो कट कर लिया है, जिसका कि यूज़ आप आगे वीडियो में देखोगे। और इसके तीनों साइड के जो मोटे पार्ट को भी हमें कट कर लेना है क्योंकि इसमें हमें आगे सिलाई लगानी है। ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, पाइपिंग लगानी जो होती है बहुत ही आसान होती है। इसमें हमें क्या करना है कि एक चौड़ा फैब्रिक लेकर इसको हमें काट लेना है और आधा इंच या 1 इंच अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। और जो हिस्सा जो आधा है उसको हमने ऊपर रख लिया है और आधा इंच कपड़ा है वो हमने नीचे रख कर इसमें हमें पूरे तीनों साइड पर हमको सिलाई कर लेनी है। अब इस तरह से सिलाई हो जाएगी हमारी। अब हमें क्या करना है, आप देखिए जो हमने पाइपिंग के लिए फैब्रिक लिया है ना, उसके हम 2 हाफ सर्कल कट कर लेंगे। पहले मैंने पेपर रख कर आप इसको हाफ सर्कल बना के ऐसे करके कट कर लो। आप देखो, हाफ सर्कल जो हमने कट कर लिया है ना, इसका हमने उल्टा पार्ट अंदर की तरह रखना है और ऊपर से ये एक फॉर्म आती है जो कि पतली होती है, उसको मैंने रख दिया है। अब हमें इसको हैंग करना है तो दोनों फैब्रिक के बीच में मैंने ये एक तरह की बना रखी है, इसको हम इसको रख लेंगे। अब हमें सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मेरा क्या हुआ कि एक मेरा ना वीडियो मिस हो गया जो कि मैंने इसको सीधा करके भी दिखाया है। चलो, आप अच्छे से समझ जाओगे। और जहाँ भी अगर आपको और जहाँ पर पिन लगाई थी वहाँ पर इसको रख कर हम अटैच कर लेंगे। कोई भी आपके पास अगर लेस पड़ी हुई, लेस लगाने से ये और भी सुंदर लगेगा। और ये देखिए, इस तरह से हमारा एक किचन टॉवल जो कि हैंग करके कितना ही सुंदर लग रहा है और आपकी किचन को और भी बढ़िया ये बना देगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। ये भी आपका किचन में बड़ा ही काम आने वाला है। इसका भी जो हमने साइड टॉवल का जो कट किया था, इसका क्या करना है, इसके भी मोटे पार्ट को हमें कट कर देना है। और इसके बाद इसको इस तरह से रखकर हम दोनों साइड पर पाइपिंग लगानी है और हमें इस तरह से सिलाई कर देंगे। बस ये बनकर बहुत ही बढ़िया ये रेडी हो गया है। ये देखो, कोई भी जैसे गरम बर्तन होता है और हमें उसको पकड़ना होता है तो ये इस तरह से इसको लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY जो मैंने बनाया है वो भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। इसके लिए मैंने एक पुराना अपना टॉवल ले लिया है और इसकी साइड को कट कर लिया है। कट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम आगे सिलाई करेंगे। और इसी के साइज़ के 2 फैब्रिक जो कि पुराने मैंने लिए हैं,
जो कि काम में नहीं आ रहे थे, इसके इसके ना ऐसे टॉवल के नीचे इसको रख लेना है, जिससे हमारा जो इसका जो बेस बनेगा वो थोड़ा सा हैवी हमको बनाना है। ये देखिए पिन को हम अच्छे से लगाकर इसके बीचों बीच हमें एक सिलाई लगा लेंगे और फिर उसके बाद दोनों हिस्से में भी हमें सिलाई लगानी है। ये हमारा एक अच्छा सा बेस बनकर तैयार हो गया और जो हमारी फैब्रिक बाहर निकल गई है इसको भी हम कैंची से अच्छे से इसको कट कर लो। और ये मेरे पास एक चौड़ी सी लेस लगी पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, तो इसको मैंने इसके साइड को छुपाने के लिए अच्छे से मैंने इस तरह से इसमें जो लेस है ना वो अटैच कर ली है। ये हमारा पता है क्या बन गया है, एक ड्राइंग मैट बन गया है, क्योंकि देखो जब भी हम कांच के कप या गिलास को वॉश करते हैं तो बास्केट में रखते हैं तो हमारा यहाँ पर टूटने का भी डर लगा रहता है। इस तरह से अगर हम ड्राइंग मैट बना कर रखेंगे तो देखने में भी ये अच्छा लगेगा और हमारे कांच के जो कप और गिलास होते हैं ना उसका टूटने का जो डर होता है वो भी नहीं रहेगा। और हाँ, अगर मेरे आपको ये किचन के ऑर्गेनाइज़र पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे हाथ के बने हुए आपको ये किचन के ऑर्गेनाइज़र कैसे लगे। अब हम लास्ट DIY की तरफ बढ़ते हैं। ये DIY मैंने एक अपने पुराने शायद कुशन कवर पड़ा था उसके मैंने दो सर्कल काट लिए हैं और इसके मैं बनाऊंगी कोस्टर। तो ये देखिए जो सर्कल मैंने कट किए हैं इसके बीच में मैंने पतली वाली फॉर्म को रख लिया है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो दो पीस ले लो आप फैब्रिक के और इसको इस तरह से रख लो और उसके बाद इसमें पिन लगा लो। और हमें अब क्या करना है, अब मैंने जो पहले वाली पाइपिंग के लिए पीस लिया था वही पीस मैंने ले लिया है और इस तरह से गोलाई से हमें पाइपिंग लगानी है। ये देखिए अब हमने चारों तरफ से इसको सिल लिया है और नीचे की तरफ से मैंने इस तरह से पिन लगा ली है। मैं पिन लगाकर ही काम करना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे ना एक तो कपड़ा खिसकता नहीं है आपका और जो हमारी जो फिनिशिंग होगी वो और भी बढ़िया आती है। दो पोस्टर मेरे जो हैं बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया से बन गई हैं। आप भी इसको ट्राई करो। और हाँ, कैसे लगे मेरे आज के DIY जो कि मैंने किचन के लिए बनाए हैं? अगर आपको थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जो कि आपके लिए यूजफुल तो होगा ही।